लक्ष्य रखना तो आसान है, लेकिन उसे हासिल करने के लिए तन की स्फूर्ति के साथ चाहिए मन की स्थिरता, दृढ़ता और निश्चय। खेल के मैदान में जीतने से पहले जरूरी है अपने मन पर जीत पाना। ब्रह्मा कुमारीज स्पोर्ट्स विंग लाए हैं 2 दिवसीय ई कॉन्फ्रेंस, अचीविंग गोल्स बाय प्रोग्रामिंग योर माइंड। नमस्कार, ओम शांति एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मित्रों, लगातार साथ चलते चलते अंतिम पड़ाव पे हम आ पहुंचे हैं। अंतिम सत्र है ब्रह्मा कुमारीज के स्पोर्ट्स विंग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय ई कॉन्फ्रेंस का। पता ही नहीं चला कि कब हम दूसरे दिन के इस अंतिम पड़ाव पे आ पहुंचे। सुंदर सुंदर बातें सुनते हुए जो मन को पुलकित भी कर रही हैं, आनंदित कर रही हैं और साथ ही साथ हमें मोटिवेट कर रही हैं जीवन में कुछ और बेहतर करने के लिए। हम सबको मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है। यदि कभी हम हार गए हैं, उस समय यदि कोई आकर पीठ पे हाथ रख देता है, हमें बल मिलता है। कई बार हमारे बड़ों ने, हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए कोई स्वप्न देखा है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी ये अचीव करेगा या करेगी, वो हमें मोटिवेट करता रहता है क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत परिश्रम किया हुआ होता है, हमारे लिए अपने बहुत सारे स्वप्नों को त्यागा होता है। वो बात हमारे लिए एक मोटिवेशनल फैक्टर बन जाता है। एक हाथी था, वृद्ध हो गया था, राजा का प्रिय हाथी था जो लगातार युद्धों में भाग लेता था और उसने अनेक युद्धों में उस राजा को जीत प्राप्त करवाई थी। एक बार वो घूमने के लिए निकला था, कीचड़ में फंस गया। उसे निकालने की बहुत कोशिश की गई लेकिन वो बाहर ही नहीं आ रहा था। तब मंत्री ने आकर के कहा, ऐसा करो कि लाओ ढोल नगाड़े शंख वंख, जो भी जो युद्ध भूमि पे रणभेरी होती है वो रणभेरी बजाओ। जैसे ही वो रणभेरी बजी, वो नगाड़े बजे, वो जो हाथी था बिना किसी सपोर्ट के ही उस कीचड़ से बाहर आ गया। उसके लिए ये एक मोटिवेशनल बात थी कि युद्ध का नगाड़ा बजना मोटिवेट कर गया, खुद ही वो बाहर आ गया। एक पतला दुबला सा व्यक्ति, बड़े बड़े वीर योद्धा भी एक बड़ी चट्टान को नहीं तोड़ पा रहे थे। राजा ने शर्त रखी थी, एक हथौड़े में टूटना चाहिए, नहीं तोड़ पाया। पतला दुबला सा व्यक्ति, उसके बगल में एक व्यक्ति खड़ा था, एक हथौड़े में उसने तोड़ दिया। राजा ने पूछा, ये कैसे हुआ? तो बताया कि ये बगल में जो व्यक्ति है, ये मेरे पुरखों की बात मुझे सुना रहे थे, उनकी वीर गाथा कि तुम किस कुल के हो, देखो तुम इतने महान हो, इतने ऊंचे हो, श्रेष्ठ हो, और मैंने एक हथौड़े में तोड़ दिया। हमें मोटिवेट करने वाली कई बातें होती हैं जो यदि हमें याद रहती हैं, हम अपने आप को उत्साहित रखते हैं और जीत के पथ पर आगे बढ़ रहे होते हैं। ऐसे ही मोटिवेशनल फैक्टर्स जो स्पोर्ट्स में हमें बहुत जरूरी होती हैं, उन्हें लेकर हमारे बीच आ रहे हैं प्रोफेसर गौरव जी चंडीगढ़ से, जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कॉरपोरेट ट्रेनर हैं। और इसके पश्चात हमारे साथ होंगे भ्राता बलवान सिंह जी जो कि कबड्डी कोच हैं। आपने अपने खेल जीवन में अनेक पदक प्राप्त किए और भारत की कबड्डी टीम को भी आपने अनेक पदक प्रदान करवाए हैं, आपको द्रोणाचार्य अवार्ड से भी नवाजा गया है। आइए अपने इन महानुभावों से इनके सुंदर विचार और अनुभव सुनते हैं। साथियों, यह कार्यक्रम स्पोर्ट्स विंग द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस वक्तव्य के अंदर हम बात करेंगे मोटिवेशन की। मोटिवेशन शब्द को लिया गया है मूवेयर शब्द से, जिसका मतलब है टू मूव, अर्थात सदा चलते रहना, सदा आगे बढ़ते रहना, सदा अपने आप को और बेहतर बनाना, कभी भी हार से निराश नहीं होना, बार बार हारने से थकना नहीं, अपने आप को सदा और बेहतर और बेहतर और बेहतर बनाने की कोशिश करना, और सबसे आगे पहुंचने के बाद भी अपने आप को और बेहतर बनाना, यह होता है मोटिवेशन से। तो साथियों, यह मोटिवेशन कैसे आता है? जैसे
एक रॉकेट को आगे बढ़ने के लिए किसी बाहरी ताकत की आवश्यकता नहीं होती। जो रॉकेट के अंदर ज्वलनशील पदार्थ होता है, जो उसके अंदर फ्यूल होता है, उसके जलने से रॉकेट सदा आगे बढ़ता रहता है। उसे आगे बढ़ने के लिए किसी बाहरी शक्ति की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से जो मोटिवेशन है, यह उसी फ्यूल की तरह, उसी ज्वलनशील पदार्थ की तरह होती है, जो सदा एक खिलाड़ी को आगे 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 बढ़ाती रहती है। तो साथियों, मोटिवेशन कहता है कि बहादुरी कभी भी ना हारने में नहीं है या सदा जीतने में नहीं है। बहादुरी हारने के बाद दोबारा से खड़े होने में है, दोबारा से फाइट करने में है, मुकाबला करने में है। एक जैपनीज प्रोवर्ब के मुताबिक, यदि 7 बार हम गिरते हैं तो खड़े 8 बार होइए। डरिए नहीं, हारने से डरना नहीं है, लेकिन हार के बाद एक नए जोश से, एक नई ताकत से फाइट करना है, आगे बढ़ना है। इस पर मुझे एक बहुत अच्छा एक कहानी याद आ रही है। एक बार सर एडमन हिलेरी, वो व्यक्ति जिन्होंने हिमालय के ऊपर फतह हासिल की दुनिया में सबसे पहले, उन्होंने 1952 में हिमालय के ऊपर चढ़ाई चढ़ने की कोशिश की, लेकिन खराब वातावरण होने के कारण वह हिमालय की चोटी पर नहीं पहुंच सके और बीच रास्ते से ही उन्हें वापस आना पड़ा, अर्थात उनकी एक बार हार हुई। तो 1952 के अंदर ही उन्हें इंग्लैंड के अंदर एक प्रोग्राम में बुलाया हुआ था, जहां काफी सारे लोग उनका वक्तव्य सुनने के लिए खड़े थे, और वहां सामने हिमालय की चोटी की एक फोटो लगी हुई थी। और एडमन हिलेरी ने जब अपना वक्तव्य शुरू किया तो वहां हिमालय की चोटी की फोटो को देखकर उन्होंने कहा, हिमालय, एक बार तूने मुझे हरा दिया, लेकिन अगली बार मैं तुझे हरा दूंगा, क्योंकि तुम तो जितने बड़े हो सकते थे उतने बड़े हो चुके हो, लेकिन मैं हर पल, हर क्षण, हर वक्त और बड़ा हो रहा हूं, और एक दिन तुम पर अवश्य जीत पाऊंगा। साथियों, यह है मोटिवेशन। एक बार हार हो जाए, 2 बार हो जाए, 5 बार हो जाए, 10 बार हो जाए, हार से नहीं घबराना। यह हार ही है जो हमें जीतने का रास्ता दिखाती है। हार नहीं है, बल्कि कुछ सिखाने आती है। और अपनी इसी हार से एडमिन हिलेरी ने बहुत कुछ सीखा, और 1953 के अंदर तेंजिंग के साथ हिमालय को फतेह किया, और दुनिया के पहले वो व्यक्ति बने जिन्होंने हिमालय को फतेह किया। आगे बढ़ने के लिए एक और चीज चाहिए, वह है सीखने की जबरदस्त चाहत, एक बेहतर बनने की चाहत। जितनी ये चाहत हमारे अंदर होगी, हम उतनी शक्ति से आगे बढ़ते रहेंगे। जरूरी नहीं कि हमारे पास दुनिया के बेहतरीन कोच हों, जरूरी नहीं कि हमारे पास दुनिया की बेहतरीन सुविधाएं हो, लेकिन यदि हमारे दिल में है कि हमें अपने आप को और बेहतर बनाना है, और सीखना है, अपने आप को और निखारना है, तो यकीन मानिए, हर परिस्थिति में रहते हुए, उन्हीं चीजों के बीच में रहते हुए, आप अपने आप को बहुत बहुत बेहतर, बहुत आगे ले जा सकते हैं। इसका एक बहुत पुराना एक हमारे पास एग्जाम्पल है, एक क्लब है जिस जो तीर कमान चलाना सीखना चाहता था, लेकिन द्रोणाचार्य जी ने मना कर दिया। उसके बावजूद उस एकलव्य ने
द्रोणाचार्य जी की मिट्टी की मूर्ति बनाई और उस मूर्ति से उसने तीर कमान चलाना सीख लिया और दुनिया के बेहतरीन धनुधर बने। और आज हमारे सामने ऐसे कितने एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं कि आज लोग YouTube के वीडियो से डांस करना सीख रहे हैं। आज हमारे पास ऐसे कितने एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं कि बहुत से लोग मोबाइल के ऊपर वीडियोस की मदद से डांस करना सीख रहे हैं और कंपटीशन जीत रहे हैं। और ऐसे बहुत से और भी उदाहरण हैं कि लोग मोबाइल पर या टीवी पर, यूट्यूब पर या किसी और माध्यम से बहुत से सिंगर्स को सुनते हैं, उनके साथ गुनगुनाते हैं और उन्होंने बहुत से बड़े बड़े अवार्ड जीत लिए हैं। साथियों, किसी की भी ऐसे बहुत से हमारे सामने उदाहरण है कि किन्हीं के पास कोई बहुत बड़े कोच नहीं थे, बहुत बड़े सिखाने वाले नहीं थे, बहुत ज्यादा सुविधाएं नहीं थी, बस सीखने की चाह, इतनी सीखने की चाह थी कि उन्होंने टीवी से, मोबाइल से ही सब कुछ सीख लिया और बहुत बहुत अवार्ड जीते। इसलिए साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि हम हर खिलाड़ी के अंदर यह शक्ति हो कि मुझे अपने आप को और बेहतर बनाना है, इम्प्रूव करना है, और यही विशेषता, आपकी यही क्वालिटी आपको एक बेहतरीन खिलाड़ी बना देगी। आगे बढ़ने के लिए जिस एक और शक्ति की, एक और चीज की जरूरत है, वह है अपने अंदर एक जज्बा रखना कि मुझे यह करना ही है, मुझे इस मुकाम तक पहुंचना ही है। अपने अंदर यह पक्का निश्चय करना, अपने अंदर यह डिटर्मिनेशन करना कि मुझे इस लक्ष्य तक हर हाल में, हर कीमत पर पहुंचना ही है। कुछ ऐसे खिलाड़ी होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें टैलेंट बहुत होता है, कला बहुत होती है, लेकिन अंदर यह एहसास नहीं होता, एक शक्ति नहीं होती कि क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं, क्या मैं कर सकता हूं। और ऐसे लोग अक्सर पिछड़ जाते हैं टैलेंट एवं क्षमता होने के बावजूद भी। और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके अंदर क्षमता नहीं होती, वो टैलेंट नहीं होता, वो कला नहीं होती, लेकिन उनके अंदर आगे बढ़ने की चाहत होती है, कुछ करने की चाहत होती है, अपने लक्ष्य तक पहुंचने की चाहत होती है, दृढ़ निश्चय होता है। और वो लोग बिना टैलेंट के भी, बिना बहुत कुछ जानते हुए भी अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरत है एक दृढ़ निश्चयी होना, अपने लक्ष्य तक पहुंचने की ताकत रखना कि मुझे वहां तक पहुंचना ही है। और यदि मन में एक बात आ जाती है कि मैं यह नहीं कर सकता, यह मेरे बस में नहीं है, यदि हम अपनी लिमिटेशंस को याद कर लेते हैं तो साथियों, हम आगे नहीं बढ़ सकते। यदि मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, एक बम्बल बी जिसमें बीच में काली और पीले रंग की धारियां बनी होती हैं, यदि उसका एरोडायनामिक डिजाइन स्टडी किया जाए तो वैज्ञानिकों के मुताबिक वह मक्खी, बम्बल बी, कभी भी उड़ नहीं सकती है। उसका डिजाइन ही ऐसा है, वो कभी नहीं उड़ सकती। लेकिन कमाल की बात तो देखिए, यह बात बम्बल बी नहीं जानती कि वह उड़ नहीं सकती, और इसी कारण से वह बहुत बहुत ऊंचा, बहुत शक्तिशाली, बहुत लंबा उड़ सकती है। सदा सीखने की चाह, अपने आप को बेहतर बनाने की चाहत, यदि आप सीखना चाहते हैं तो सीखिए। भारत के हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी से। ध्यानचंद जी के अंदर जो शब्द है चंद, यह इसलिए जुड़ा क्योंकि मेजर ध्यानचंद जी रात के समय, चांदनी रात के अंदर हॉकी खेला करते थे, ड्रिबलिंग किया करते थे और अपने आप को इतना एक्सपर्ट बना लिया कि पूरी दुनिया में उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा और पूरे वर्ल्ड के अंदर
सबसे महानतम खिलाड़ी कहा जाने लगा हॉकी का। बात है 1928 एमस्टरडम के अंदर ओलंपिक के लिए खेले जाने वाले फाइनल मैच की, जिसमें करीब आधे खिलाड़ी बीमार थे, भारतीय टीम के आधे खिलाड़ी बीमार, उसके बावजूद भी उन्होंने ओलंपिक गोल्ड जीता, अपने सामने वाली प्रतिद्वंदी टीम को हराया। और यदि पूरे ओलंपिक 1928 का रिकॉर्ड देखें तो 18 मैच जीते और 2 ड्रा हुए और केवल 1 मैच हारे। यह इतना सुंदर रिकॉर्ड जिसके अंदर मेजर ध्यानचंद जी का अति महत्वपूर्ण रोल था। और बात करें 1932 के ओलंपिक्स की, जो कि अमेरिका में खेला गया लॉस एंजलिस के अंदर, भारत ने अमेरिका को 24-1 से हराया, जो कि अब तक एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। भारतीयों, इस हॉकी में भारत के इतने सुंदर प्रदर्शन के पीछे जो सबसे बड़ी शक्ति काम कर रही थी, वह थे मेजर ध्यानचंद और उनका बेहतरीन प्रदर्शन। एक बार तो मेजर ध्यानचंद जी की हॉकी के टुकड़े टुकड़े करके देखा गया। हॉलैंड की अथॉरिटीज इस बात से हैरान थी कि क्या बात है कि जो हॉकी की गेंद है वह मेजर ध्यानचंद जी की हॉकी के साथ इतना क्यों चिपकी हुई है, इतना क्यों के साथ साथ रहती है। और हॉकी के टुकड़े किए गए तो अंदर कुछ भी नहीं मिला। वो हैरान थे क्या कारण है कि जो हॉकी की गेंद है यह हॉकी से अलग ही नहीं होती है। और एक बार तो 1935 के अंदर मेजर ध्यानचंद ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड शहर में खेल रहे थे और उनका खेल देखने के लिए क्रिकेट के मशहूर बैट्समैन सर ब्रैडमैन जी वहां पर पहुंचे। और जब ब्रैडमैन ने मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी के अंदर गोल करते हुए देखा तो उन्होंने एक बहुत सुंदर लाइन कही कि मेजर ध्यानचंद जी तो जैसे क्रिकेट में हम रन बनाते हैं वैसे हॉकी के अंदर गोल करते हैं। और वहीं पर ही एक महिला ने अपनी वॉकिंग स्टिक मेजर ध्यानचंद जी को दी और पूछा क्या आप इससे भी गोल कर सकते हैं। और कमाल तो देखिए, मेजर ध्यानचंद जी ने उस वॉकिंग स्टिक से भी के साथ भी गोल कर दिए और सबके सब हैरत में थे। यह था मेजर ध्यानचंद जी का जादुई करिश्मा। और ऐसा ही करिश्मा उन्होंने 1936 के ओलंपिक्स बर्लिन में दिखाया, जहां उन्होंने मेजबान जर्मनी को 8-1 से हराया और उसमें सबसे ज्यादा गोल मेजर ध्यानचंद जी के थे, 3 गोल। और जर्मनी के अखबारों में यह प्रिंट हुआ, खेल के मैदान में पहुंचिए खेल के जादूगर का जादू देखने के लिए। ऐसे थे वो महान खिलाड़ी और हमें गर्व होना चाहिए, हम उसी महान खिलाड़ी के देश से हैं, जहां जब मेजर ध्यानचंद भारत को इतना आगे ले जा सकते हैं, खुद को इतना इतना निखार सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। हम भी उनके नक्शे कदम पर चलकर अपने आप को बहुत बेहतर, बहुत आगे ले जा सकते हैं। मुझे एक और बात याद आ रही है मेजर ध्यानचंद जी की, कि ऑस्ट्रिया के अंदर एक चौक पर उनका पुतला लगाया गया है और उस पुतले के 4 हाथ दिखाए गए हैं और चारों हाथों में हॉकी दिखाई गई है, जो यह दर्शाता है कि मेजर ध्यानचंद जी का हॉकी के ऊपर बहुत जबरदस्त कंट्रोल था। तो साथियों, हमें मेजर ध्यानचंद जी से प्रेरणा लेनी है, शिक्षा लेनी है, ताकि हम भी अपने खेल में बहुत आगे बढ़े, खूब तरक्की करें और भारत का नाम रोशन करें। और साथ ही आगे बढ़ने के लिए, सफलता हासिल करने के लिए,
एक शक्ति की जरूरत पड़ती है, वो है मोटिवेशन। और आगे बढ़ने के लिए एक और चीज चाहिए, वह है फोकस। हमारा अपना पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर लगा देना, इधर उधर की बातों से निकालकर कौन क्या कह रहा है, कौन कैसी बातें कर रहा है, किसी के पास कौन सा मोबाइल है, किसी के पास कौन सी गाड़ी है, इन सब को छोड़कर अपना पूरा ध्यान लगा देना अपने लक्ष्य पर, स्वयं के ऊपर, अपने को बेहतर बनाने के ऊपर। आप एक बात नोटिस करिए कि एक विद्यार्थी एक किताब को करीब करीब एक साल तक पढ़ता है, और जब उसके पेपर आते हैं तो उसी किताब को वो 4 दिन में भी पढ़ देता है। क्या कारण है? धीरे धीरे एक एक चैप्टर को पूरा साल पढ़ता है, लेकिन जब पेपर आते हैं तो अपना हर तरफ से ध्यान ना तो मोबाइल के ऊपर, ना किसी इधर उधर के फंक्शन जाने पर, ना कपड़ों पर, व्यर्थ की बातों पर, सब तरफ से अपना ध्यान हटाकर वो उस पुस्तक पे लगा देता है अपने पेपरों से पहले। और उसका परिणाम यह होता है कि केवल 3-4 दिन में उस पूरी किताब को पढ़ लेता है और याद कर लेता है। साथियों, इसीलिए एक खिलाड़ी के लिए बहुत आवश्यक है अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना अपने ऊपर, अपने आप को बेहतर बनाने पर, और व्यर्थ की बातों को सदा के लिए छोड़ देने पर। क्योंकि यह व्यर्थ की बातें हमारी ऊर्जा को, हमारी आंतरिक क्षमता को क्षीण कर देती हैं, हमें अंदर से कमजोर बना देती हैं। और जितना ज्यादा हम फोकस्ड रहते हैं, उतनी ज्यादा ऊर्जा उसी कार्य में लगती है। इसीलिए तो कहा जाता है, वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज एंड थिंग ग्रोज। अर्थात जितना ज्यादा हम अपने ऊपर फोकस करेंगे, अपने गेम पर फोकस करेंगे, हमारी उतनी एनर्जी उस तरफ लगेगी, और जिधर एनर्जी लगेगी वही चीज आगे बढ़ेगी और फ्लरिश होगी और अच्छे सुंदर रिजल्ट लेकर आएगी। इसीलिए एक खिलाड़ी के लिए बहुत बहुत आवश्यक है फोकस्ड होना। और ऐसा ही एक किस्सा मुझे याद आ रहा है कि यदि हमारा ध्यान, हमारा लक्ष्य से ध्यान हटा तो हार निश्चित होती है। मैं बात कर रहा हूं एक बहुत बेहतरीन तैराक की, फ्लोरेंस जेडविक। यह वह महान खिलाड़ी है, वह महान तैराक है जिन्होंने इंग्लिश चैनल को दोनों तरफ से पार किया, फ्रांस से इंग्लैंड और इंग्लैंड से वापस फ्रांस तक तैर कर पार किया, और दुनिया की पहली महिला बनी जिन्होंने इंग्लिश चैनल को फ्रांस से इंग्लैंड और इंग्लैंड से वापस फ्रांस तक तैर कर पार किया। और इन्होंने एक और करिश्मा दिखाया, इन्होंने कैलिफोर्निया से कैटलिना आइलैंड तक 26 मील की दूरी तैर कर पार करने की कोशिश की। और उसका परिणाम देखिए, जब यह पानी में उतरी उस वक्त मौसम साफ था, इनके आसपास इनकी मदद के लिए 2-3 बोट्स थी, इन्होंने तैरना शुरू किया और करीब करीब 15 घंटे तैरने के बाद अचानक मौसम ने करवट बदली और इनके आसपास बहुत सारी धुंध छा गई। इतनी धुंध छा गई कि इनको अपना लक्ष्य नजर आना बंद हो गया और इनका ध्यान अपने लक्ष्य से भटक गया, अर्थात फोकस नहीं रहा अपने लक्ष्य पर, और इन्हें लगा कि अब मैं यह नहीं कर सकती। और इन्होंने वापस कश्ती में बैठने की प्रयास किया और कश्ती में बैठ गए, और जब कश्ती में बैठे तब इन्हें एहसास हुआ कि 26 मील की दूरी में से ये 25 मील की दूरी तय कर चुके थे और अब केवल 1 मील की दूरी और तय करना बाकी था। अगर वो ऐसा कर देते तो दुनिया की पहली महिला बन जाते 26 मील तैर कर पार करने वाली। लेकिन जैसे ही लक्ष्य से ध्यान हटा,
फोकस हटा तो शक्तिशील होनी शुरू हो गई। और उसके एक साल बाद इन्होंने पूरी अपने आप को प्लानिंग की, अपने मस्तिष्क में बिठा लिया कि इतनी दूर जाना है, अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा फोकस अपने लक्ष्य पर लगा दिया और कैलिफोर्निया से कैटलिना आइलैंड तक की दूरी 26 मील तैर कर पार की और दुनिया की पहली महिला बनी ऐसा करने वाली। साथियों, इसलिए फोकस की बहुत जरूरत होती है। अपना सारा ध्यान अपने लक्ष्य पर लगाने से ही हमारी ऊर्जा उस तरफ फ्लो करती है। तो जो साथी खेलों में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें फोकस अपने गेम पर, स्वयं पर रखने की अति अति आवश्यकता है। आगे बढ़ने के लिए जिस एक और शक्ति की, एक और चीज की जरूरत है, वह है अपने अंदर एक जज्बा रखना कि मुझे यह करना ही है, मुझे इस मुकाम तक पहुंचना ही है। अपने अंदर यह पक्का निश्चय करना, अपने अंदर यह डिटर्मिनेशन करना कि मुझे इस लक्ष्य तक हर हाल में, हर कीमत पर पहुंचना ही है। कुछ ऐसे खिलाड़ी होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें टैलेंट बहुत होता है, कला बहुत होती है, लेकिन अंदर यह एहसास नहीं होता, एक शक्ति नहीं होती कि क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं, क्या मैं कर सकता हूं। और ऐसे लोग अक्सर पिछड़ जाते हैं टैलेंट एवं क्षमता होने के बावजूद भी। और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके अंदर क्षमता नहीं होती, वो टैलेंट नहीं होता, वो कला नहीं होती, लेकिन उनके अंदर आगे बढ़ने की चाहत होती है, कुछ करने की चाहत होती है, अपने लक्ष्य तक पहुंचने की चाहत होती है, दृढ़ निश्चय होता है। और वो लोग बिना टैलेंट के भी, बिना बहुत कुछ जानते हुए भी अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरत है एक दृढ़ निश्चयी होना, अपने लक्ष्य तक पहुंचने की ताकत रखना कि मुझे वहां तक पहुंचना ही है। और यदि मन में एक बात आ जाती है कि मैं यह नहीं कर सकता, यह मेरे बस में नहीं है, यदि हम अपनी लिमिटेशंस को याद कर लेते हैं, तो साथियों हम आगे नहीं बढ़ सकते। यदि मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, एक बम्बल बी जिसमें बीच में काली और पीले रंग की धारियां बनी होती हैं, यदि उसका एरोडायनामिक डिजाइन स्टडी किया जाए तो वैज्ञानिकों के मुताबिक वह मक्खी बम्बल बी कभी भी उड़ नहीं सकती है। उसका डिजाइन ही ऐसा है, वो कभी नहीं उड़ सकती। लेकिन कमाल की बात तो देखिए, यह बात बम्बल बी नहीं जानती कि वह उड़ नहीं सकती, और इसी कारण से वह बहुत बहुत ऊंचा, बहुत शक्तिशाली, बहुत लंबा उड़ सकती है। यदि हम अपनी नकारात्मकता को निकाल दें तो हम बहुत 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 कुछ कर सकते हैं। यदि बम्बल बी को वाकई ही मालूम पड़ जाए कि वह उड़ नहीं सकती है, उसका डिजाइन ठीक नहीं है, तो शायद वो कभी भी ना उड़ पाए। हम अपने आप को सीमित कर लेते हैं। मुझे इस पर एक और बात याद आ रही है, हेनरी फोर्ड, उन्हें एक विचार आया कि V8 एक तरह का इंजन होता है कार का, उस इंजन को डिजाइन किया जाए। तो उन्होंने अपने जो बहुत कुशल कारीगर थे उनको बुलाया और कहा कि आप सबको मिलकर V8 इंजन डिजाइन करना है। तो उनके जितने भी कुशल कारीगर थे उन सब ने हेनरी फोर्ड को कहा, हम यह तो जानते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं और हम यह भी जानते हैं कि हम क्या क्या नहीं कर सकते हैं, और जो V8 इंजन है वह बनाना संभव नहीं है। यह बात उन्होंने हेनरी फोर्ड को कही और कई मीटिंग्स के अंदर लगातार यही बात होती रही कि V8 इंजन बनाना संभव नहीं है।
लेकिन हेनरी फोर्ड के दिमाग में ये बात पक्की थी कि कैसे भी हो यह इंजन तो बनाना ही है, यह इंजन तो बनाना ही है। और साथियों उसका परिणाम यह हुआ, उन्होंने अपनी सारी टीम को V8 इंजन बनाने में लगा दिया और सफलता उन्हें मिली, उन्हें जीत मिली और एक दिन असल में V8 इंजन तैयार हो गया और यह था दृढ़ निश्चय का नतीजा, यह था अपनी लिमिटेशंस को पार करने का नतीजा। हमें यह नहीं अंदाजा कि हम में कितनी शक्तियां हैं, हम कितना और आगे कर पहुंच सकते हैं, कितना और बढ़िया कर सकते हैं। हम केवल अपने आप को बांध लेते हैं, रोक लेते हैं। इस पर एक और बात याद आ रही है कि एक बार एक कार के अंदर 3 लोग, एक पति, उनकी पत्नी और एक बच्चा कहीं जा रहे थे और रास्ते में उनका टायर पंचर हो गया। तो उस पति को, उस व्यक्ति को गाड़ी का पंचर लगाना नहीं आता था, उसने नीचे जैक तो लगा दिया, गाड़ी को उठा दिया और पंचर लगाने के लिए गाड़ी के नीचे घुस गया और वहां पास में ही उसके बच्चे ने गलती से जैक का एक बटन दबा दिया जिससे वो जैक नीचे बैठ गया और उस महिला का पति कार के नीचे दब गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। तो वो महिला बहुत परेशान हुई, आसपास चिल्लाने लगी कि कुछ बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन दुर्भाग्य से उस वक्त आसपास कोई भी नहीं था। तो उस महिला ने खुद अपनी शक्ति लगा दी, अपनी सारी शक्ति लगा दी उस कार की उस साइड से उठाने के लिए और कमाल देखिए उसका परिणाम यह हुआ कि उस महिला ने उस कार को उठा दिया, इतना उठा दिया कि वह व्यक्ति अब कार से बाहर निकल सकता था। उसका पति कार से बाहर निकलाया, वह हैरान था कि यह कैसे हुआ। वह महिला भी हैरान थी कि जिसने आज तक कोई भारी वस्तु नहीं उठाई है लेकिन आज जब परिस्थिति आई है तो उसके अंदर की शक्ति निकलकर सामने आई है, लेकिन उसे ज्ञान नहीं था कि वह यह कार्य कर सकती है। अगर वह महिला उस वक्त यह मान लेती कि मैं कभी भी इस कार को उठा नहीं सकती, यह तो मेरी सीमा से परे की बात है, तो यकीन मानिए साथियों वह महिला कभी भी उस कार को उस साइड से उठा नहीं सकती थी। लेकिन जब हम पर दबाव होता है, हम पर प्रेशर पड़ता है, तब हमारी शक्तियां निकलकर सामने आती हैं, हमारे अंदर छुपे हुए गुण निकलकर सामने आते हैं। इसलिए हमें यह कभी नहीं कहना चाहिए कि मैं यह नहीं कर सकता, यह मेरी कमजोरी है, यह मेरी सीमा है, मैं इसके बाहर नहीं जा सकता, यह मेरी लिमिटेशन है, क्योंकि हमें नहीं अंदाजा हमारे अंदर कितनी ज्यादा शक्ति, कितना पोटेंशियल, कितनी ताकत छुपी हुई है। एक बार एक आर्मी के जवान बता रहे थे कि जैसे मेरी आर्मी के अंदर ट्रेनिंग शुरू हुई तो मेरे पीठ के ऊपर रेत का भरा हुआ बैग बांध दिया गया, काफी भारी बैग था, और मुझे कहा गया कि आपको चलना है। और कहते कि मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं कुछ दूर चल पाऊंगा, मुझे था मैं कुछ दूर चलने के बाद गिर जाऊंगा। कहते लेकिन उस बोरे को बांधकर मैं काफी काफी दूर तक, काफी दूर तक, कई किलोमीटर तक चलता रहा और मुझे उस दिन एहसास हुआ कि मेरे अंदर कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है। मैंने तो अपने आप को बांध रखा था अपनी सीमाओं के अंदर कि मैं ये नहीं कर सकता। तो साथियों आज अपने आप से वायदा करें कि अपने अंदर की सारी नकारात्मकता को निकाल देंगे और अपने अंदर यह पक्का करेंगे कि मैं किसी भी सीमा तक, किसी भी हद तक, किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकता हूं। यदि अपने आप को विशाल बना देंगे तो आसमान तक पहुंच जाएंगे। और यदि और बात करें खिलाड़ियों के लिए तो एक बात बहुत आवश्यक है, एक खिलाड़ी को दूसरे खिलाड़ी का सदा सम्मान करना चाहिए, रिगार्ड करना चाहिए,
रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अपने टीम के सभी सदस्यों को, अपने कोच को, अपने सामान को, एक खिलाड़ी को जो जो सामान वो प्रयोग करता है कभी भी उसका निरादर नहीं करना चाहिए। जिस मैदान में वो खेलता है उस मैदान का सम्मान करना चाहिए, सबका सम्मान सदा दिल से करना चाहिए। यह वही सम्मान है, यह वही मैदान है जो हमें आसमान की बुलंदियों तक ले जाता है, इसलिए इसका सम्मान अवश्य अवश्य करते रहिए। यह बात भी सामने आई है कि यदि एक टीम के दो खिलाड़ी खेल के बाहर अच्छे दोस्त हैं, अच्छे मित्र हैं, तो खेल के अंदर भी वो अच्छा खेलते हैं। इसलिए यह अति आवश्यक है कि सभी खिलाड़ियों का आपस में संबंध बहुत अच्छा होना चाहिए। यदि दो खिलाड़ियों का खेल के मैदान के बाहर आपस में मनमुटाव होता है, आपस में विचार नहीं मिलते, तो उसका प्रभाव खेल में देखने में अवश्य आता है। तो खिलाड़ियों को यह चाहिए कि सबका सम्मान करें, सब खिलाड़ियों का सम्मान करें, सबसे रिलेशन बहुत अच्छा हो, ताकि खेल के अंदर खेल भावना बनी रहे और सदा आगे बढ़ते रहें। और खिलाड़ियों को इस बात पर अवश्य ध्यान देना होगा कि क्रोध एक ऐसी तकलीफ, ऐसी बीमारी है जो एक खिलाड़ी को अंदर से कमजोर कर देती है, एक खिलाड़ी को अंदर से खत्म कर देती है। क्रोध करने से शरीर को बहुत बहुत नुकसान होता है, शरीर के अलावा मन को बहुत नुकसान होता है। तो इसलिए यह अति आवश्यक है कि एक खिलाड़ी क्रोध से, ईर्ष्या से, चिंता से, इन सब से मुक्त रहे, क्योंकि ये वो कमियां हैं जो एक खिलाड़ी को खाती हैं, एक घुन की तरह है जो एक खिलाड़ी को समाप्त कर देती हैं। आपने यह देखा होगा कि जो खिलाड़ी व्यवहार में मन को शांत रखते हैं, खेल खेलते हुए मन को शांत रखते हैं, वो अक्सर विजय की तरफ अग्रसर होते हैं। और जो व्यक्ति, जो खिलाड़ी बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत चिंता करते हैं, बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं, उनका खेल दूसरों के मुकाबले काफी कम आंका जाता है, उनमें शक्ति कम हो जाती है। इसलिए इन खिलाड़ियों को चाहिए कि गुस्सा, चिंता, तनाव, ईर्ष्या, इन सब से अपने आप को बचा के रखें और मेडिटेशन का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। मेडिटेशन को लाइफ का, जीवन का हिस्सा बनाएं, क्योंकि मेडिटेशन ही वो शक्ति है जो नकारात्मक विचारों से, नकारात्मकता से, विकारों से हमें बचा सकता है। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति। ओम शांति। मैं आपको अभी इसके बारे में, माइंड पावर के बारे में खिलाड़ियों को बताना चाहता हूं कि माइंड पावर का क्या मतलब खिलाड़ियों पर इफेक्ट पड़ता है। हम फिजिकल ट्रेनिंग तो करते रहते हैं, लेकिन यदि माइंड पावर से भी हम स्ट्रांग हो जाए ना, वो हम इसको, इसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं राजयोगा से। और राजयोगा का हेडक्वार्टर है माउंट आबू में। इसका मैं एज ए नेशनल कोच, मैंने इसका पूरा फायदा उठाया है, क्योंकि 2014 एशियन गेम में इंचोन में हमने जो ट्रेनिंग ली थी, वो भाई बीके जगबीर सिंह जी, हमने रिक्वेस्ट की उनसे और हमारे को फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने आकर के भोपाल में राजयोग की ट्रेनिंग दी माइंड पावर बढ़ाने के लिए। और उसका हमें फायदा कहाँ मिला, उसका फायदा हमें मिला फाइनल मैच में। हम ईरान से 21-13 से पीछे थे, 21 ईरान था, 13 भारत का था। तो हमने इसके बारे में हाफ टाइम में डिस्कस किया, थोड़ा माइंड पावर को उनको थोड़ा राजयोग के बारे में बताया और उनको बताया भाई ये टेक्निक लगेंगे और माइंड को थोड़ा स्ट्रांग करो, आप स्ट्रांग हैं, आप यू आर मतलब बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो उसी का इफेक्ट क्या रहा, फिर हम उनसे लास्ट में 2 पॉइंट से हम जीत गए। और एक दूसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, अहमदाबाद के अंदर हम वर्ल्ड कप में पहला एक मैच कोरिया से हार गए थे,
तो उसके बाद फिर मैंने भाई बी के जगबीर सिंह को याद किया और उसने उसको बुलाया हमारे को ट्रेनिंग में, उन्होंने सेशन लिए माइंड पावर के, और उसका इफेक्ट क्या रहा, हमारा फाइनल मैच फिर ईरान के साथ था और हम उस टाइम 18-13 से पीछे थे। फिर वही हमने फिर उसके बारे में डिस्कस किया सारे माइंड पावर का बारे में, भाई तुम स्ट्रांग हो, यू आर वर्ल्ड चैंपियन, आपका मुकाबला कंपेयरिंग टू ईरान, टेक्निकली भी कुछ बातें बताई मैं कहाँ अटैक करना है कहाँ नहीं करना है, माइंड को स्ट्रांग किया, रिबिल्ड किया, तो उसका भी रिजल्ट ये रहा आखिर में हमारा स्कोर था 29-38। तो फिर भी मतलब ये तो दो तो उदाहरण मैं अपने आप को दे रहा हूँ एज ए नेशनल कोच। तो इसकी ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि ये मैंने आज से नहीं जब से हम बचपन से भी सुनते थे, जिसका माइंड स्ट्रांग है वो कुछ भी कर सकता है, आप मन के हारे हार है मन के जीते जीत, ये हम सुनते थे। लेकिन इसका इफेक्ट का तब पता चला जब मैं माउंट आबू भी एक बार जाके आया, वहां माइंड पावर की हमने ट्रेनिंग ली, और जिसका माइंड स्ट्रोक है एट द एंड ऑफ द लाइफ यू विल फाइंड दैट हु इज सक्सेसफुल इन द वर्ल्ड, दोज हु आर हैविंग माइंड स्ट्रांग। तो माइंड स्ट्रांग के लिए माइंड पावर की जरूरत है, माइंड पावर के लिए ट्रेनिंग की जरूरत है, ट्रेनिंग के लिए फिर राजयोग का जो इफेक्ट है उसका जो है हम इसका फायदा उठा सकते हैं ट्रेनिंग के अंदर। अभी आने वाले कमी बहुत हमारे इम्पोर्टेंट है, भारत मतलब खेल हब बन चुका है, और इसका उदाहरण हमारे सामने है जो टोक्यो ओलंपिक हुए। तो यदि और भी हम माइंड से ट्रेनिंग लेते रहेंगे, माइंड का और स्ट्रांग कर लें, क्योंकि दूसरी चीज़ें सारी दुनिया स्ट्रांग कर रही है, और तो सारे फिजिकली टेक्निकली और सोशली, परंतु माइंड योग का हमारे पास बहुत अच्छा सेंटर है। मेरा तो आप खिलाड़ियों से निवेदन है कि कोशिश करें भाई जगबीर सिंह से, वहां पर जो इसका हेड है खेल विंग का, वहां जाएं और माउंट आबू में जा करके उनकी सेवाएं लें, फ्री सेवा करते हैं। माइंड पावर एक ऐसी मतलब हमारे लिए जीवन में ऐसा काम करती है, क्योंकि हम हर फील्ड में उसके चैंपियन बनेंगे फिर, क्योंकि हमने जो सोच लिया कि जो सोचते हैं हम वही बनते हैं, और जो सोचेंगे माइंड पावर में लाएंगे उसको एग्जीक्यूट करेंगे उसी के हिसाब से फिर हमारी लाइफ में हम जो चाहते हैं वो गोल को अचीव कर सकते हैं। इसलिए माइंड पावर की लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरत है, और इसका मतलब हमारा हेडक्वार्टर है राजयोगा, राजयोगा माउंट आबू में है, उसके जो अपने काफी मतलब मैं गया भी हूँ वहां पर, मैंने एक्सपीरियंस भी किया है। मैंने कबड्डी के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि दूसरे गेम भी इसका फायदा उठाएं, क्योंकि अभी हमारा पेरिस ओलंपिक्स गेम आने वाले हैं और हम अभी स्पोर्ट्स हब बनने की तरफ जा रहे हैं, और इसका पूरा का पूरा फायदा हम उठा सकते हैं, क्योंकि जो फिजिकल ट्रेनिंग जो और दूसरी ट्रेनिंग है टेक्निकल ट्रेनिंग तो कोच करवा सकते हैं, लेकिन माइंड पावर से यदि हम थोड़ा यदि क्योंकि एक बार देखा मैंने हॉकी का वर्ल्ड कप, पेनल्टी शूट आउट में बाल गोल तक नहीं गई, फाइनल मैच में गोल तक बाल नहीं गई, तो कितना माइंड प्रेशर था उसका। तो माइंड प्रेशर को रिलीज करने के लिए ये राजयोग मेडिटेशन की जरूरत है, और मैं आप लोगों से सभी खिलाड़ियों से सभी मतलब जो अपने फेडरेशन हैं दूसरे गेमों के भी, हमने कबड्डी में तो हम मेरे को इसका पता है कि मेरा क्योंकि मैं वहां गया हूं, मेरे पास एड्रेस था, फोन करता हूं तो मैं वहां से बुला लेता हूं, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी टीम को ट्रेनिंग दे के जाती है 3 दिन की, और मैं चाहता हूं कि आगे आने वाले पेरिस ओलंपिक्स में इसका जितना माइंड पावर का हम फायदा उठाएंगे इतने ही ज्यादा मेडल हमारे देश को अर्जित करने में फायदा होगा। और यही कहता हुआ मैं आपसे जय हिंद जय भारत ओम शांति। मित्रों, बचपन में एक चींटी को मैंने दीवार पे चढ़ते हुए और बार बार गिरते हुए देखा, लेकिन फाइनली वो चींटी सफल हुई। तब तक चढ़ती रही, प्रयास करती रही, जब तक कि वो चढ़ने में सफल नहीं हो गई। ऐसे अपने आसपास हम अनेक खिलाड़ियों को और अनेक ऐसे लोगों को देखते हैं जिन्होंने लगातार परिश्रम किया, लगातार प्रयास किया और फाइनली विजय प्राप्त की। तब तक नहीं हारे जब तक कि अपनी मंजिल को उन्होंने प्राप्त नहीं कर लिया। थॉमस अल्वा एडिसन जी की बात ले लीजिए, खेल के क्षेत्र में भले नहीं लेकिन विज्ञान के क्षेत्र में सैकड़ों बार बल्ब का जो आविष्कार कर रहे थे उसमें उन्हें असफलता प्राप्त हुई, लेकिन लगातार लगातार प्रयास करते करते वो फाइनली सफल हुए। अरुणिमा सिन्हा जी एक नेशनल लेवल की प्लेयर, हादसे में अपना पैर गंवा बैठे,
लेकिन फिर भी कृत्रिम पैरों के माध्यम से हिमालय पर चढ़ गईं। संसार की उच्चतम चोटियों पे चढ़ने का उन्होंने अपना लक्ष्य बनाया हुआ है और कई चोटियों को फतह कर चुकी हैं। मोटिवेट करते हैं ऐसे लोग हमें। निराश हो सकते थे वो, बैठ सकते थे वो, लेकिन फिर भी बैठे नहीं, कुछ कर दिखाने का जज्बा अपने अंदर उन्होंने कायम रखा। ऐसे ही हम भी अपने आप को मोटिवेट करें ताकि हम सफलता की ओर आगे से आगे बढ़ते चलें। ऐसे ही मोटिवेट करने के लिए अब हमारे बीच आ रहे हैं भ्राता रोहतास जी, जो कि स्पोर्ट्स विंग की एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं। और इसके पश्चात हमारे बीच होंगी एक सुंदर सा मधुर गीत लेकर ब्रह्मा कुमारी अस्मिता बहन जी, जो सीनियर राजयोगा टीचर हैं, कोलकाता से हैं। आप ब्रह्मा कुमारी की स्वर कोकिला के नाम से जानी जाती हैं। प्यारा सा गीत है ये, मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, बल्कि मुश्किलों से ये कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है। और इस गीत के पश्चात हमारे साथ होंगे भ्राता मेहरचंद जी, जो कि नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं स्पोर्ट्स विंग के। आप इस बात पर हमें प्रकाश देंगे कि कैसे जीत की योजना बनाई जाए। तो आइए स्वागत करते हैं। ओम शांति। प्यारे साथियों, जो खिलाड़ी खेल खेलता है वो किसके लिए खेलता है? अपने लिए, देश के लिए या परिवार के लिए? जो हम अपने आप को फिजिकली फिट रखते हैं, जो खिलाड़ी है, वही संसार के सामने एक सैंपल है फिटनेस का। अगर ओलंपिक के अंदर एक गोल्ड मेडल लेके आता है तो वो एक गोल्ड मेडल लेके नहीं आता, उसको देख करके लाखों लाखों तो क्या करोड़ों जो युवा हैं वे आपको अपने आप को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं और फिजिकली फिट अगर होगा तो देश को भी फायदा होता है। तो आपका सीधा योगदान देश को और पूरे संसार को है। तो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से फिजिकली फिट तो हो गए, लेकिन अगर मेंटली फिट नहीं होंगे तो फिजिकली फिटनेस कितने दिन चलेगी? और उस मेंटली फिट के लिए एक कहा होता है ना, बॉडी एंड माइंड फिट एंड फाइन। फिट और फाइन होना है तो हमें माइंड को भी फिट करना होगा, और माइंड को फिट करने के लिए स्वयं इस समय इस धरा पर परमपिता शिव परमात्मा ने इन बहनों के माध्यम से पूरे संसार के अंदर राजयोग की शिक्षा, जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं, वो परमात्मा सिखा रहा है, जिसका कि गीता के अंदर भी चौथे अध्याय के 33वें श्लोक के अंदर गायन है कि सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर यज्ञ है तो ज्ञान यज्ञ है। और गीता के अंदर ही कहा है कि ज्योति समपि तत् ज्योति सैतमस्य प्रमुच्यते ज्ञानम गेयम ज्ञान गम्यम हृदि स्रोतस्य विष्टितम। वो किसके लिए कहा है? जो इस शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है, जिसको हम आत्मा और रूह कहते हैं, उसके अंदर से विचारों रूपी जो प्रकाश फैलता है, जो कि हमारी पूरी बॉडी को फिट रखता है, तो मैं पूरी आशा रखता हूं आप सब प्लेयर से कि आप इस संसार के सामने एक एग्जाम्पल बनकर के
युवाओं को फिट रखोगे और देश को, अगर युवाएं फिट हैं और बीमारी नहीं है तो देश को आपके द्वारा आर्थिक मदद भी मिल रही है जो कि दिखाई नहीं दे रही, बड़ी गुप्त है। तो आपसे यही उम्मीद है कि आप 100% इस मेडिटेशन को अपना करके, वैसे तो फिट हो ही, लेकिन मेडिटेशन अगर अपनाओगे तो जो लास्ट मोमेंट होता है मेडल जीतने के लिए, उस समय मेडिटेशन आपको काम आएगा। अच्छा, ओम शांति। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। शांति। मुझे प्लेयर्स के लिए दो लाइनें याद आ रही हैं। दिल में ठान लिया जिन्होंने कुछ करने के लिए, दिल में ठान लिया जिन्होंने कुछ करने के लिए, दामन में सबके खुशियां भरने के लिए,
दामन में सबके खुशियां भरने के लिए ऐसे खिलाड़ियों को मैं वंदन करने आया हूँ, ऐसे खिलाड़ियों को मैं वंदन करने आया हूँ, उनका अपने शब्दों में अभिनंदन करने आया हूँ, उनका अपने शब्दों में अभिनंदन करने आया हूँ। आज स्पोर्ट्समैन के प्रति सभी का रुझान बढ़ता जा रहा है। कभी हम देखते थे फिल्म एक्ट्रेस के प्रति नवयुवकों का रुझान था, परंतु आज स्पोर्ट्समैन के प्रति जो भावनाएं, जो रुझान डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, ये अत्यंत हर्ष का विषय है। आज स्पोर्ट्समैन प्रथम पंक्ति में आकर खड़ा हो गया है। इसके पीछे क्या कारण है? मेरा अपना अनुभव कहता है कि भारत देश प्राचीन काल से ही शूरवीरों का, बलिदानियों का सम्मान करता आया है, क्योंकि बलिदानियों के प्रति, शूरवीरों के प्रति भारत की आत्मा आंखें झुकाकर खड़ी हो जाती है, क्योंकि खिलाड़ी भी एक अहिंसक योद्धा है। वो योद्धा लोग तो अपनी सरहदों में रहकर लड़ाई लड़ते हैं, परंतु ये अहिंसक योद्धा तो दूसरे की सरहद में जाकर लड़ाई लड़ता है। इसीलिए भारतवासी लोग इनके प्रति जागरूक हुए हैं, और जब हमारा एक स्पोर्ट्समैन या अर्थात खिलाड़ी दूसरे की सरहद पर जाकर गोल्ड मेडल लेता है तो भारत की आत्मा खिल उठती है और उसको अपनी भावनाएं प्रदर्शित करती है। खिलाड़ियों के प्रति मैं एक बात कहूंगा कि यदि वो जीवन में सफल होना चाहते हैं, उन्हें दो गुणों को अपनाना होगा, क्योंकि सफलता जिस ताले में बंद है उसको खोलने की दो चाबियां हैं, एक है कठिन परिश्रम और दूसरा है दृढ़ विश्वास अर्थात दृढ़ संकल्प। यदि इन दो चाबियों के बिना ताला खोला गया तो ताला उपयोगी नहीं रहेगा, अर्थात किसी भी तरह से थोपी गई सफलता उचित नहीं होगी, क्योंकि दृढ़ संकल्प के लोग पहाड़ को भी डिगा सकते हैं, समुद्र को लांग सकते हैं। दृढ़ संकल्प वो कोमल पुष्प नहीं है जो हवा के एक झोंके से टूट कर गिर जाए। दृढ़ संकल्प के लोग हमेशा अगवा होते हैं। दृढ़ संकल्प के लोग जो ठान लेते हैं, उन बड़ी बड़ी बाधाओं को भी वो चीर कर निकल जाते हैं और अपने लक्ष्य में सफल होते हैं। इसलिए हमें जीवन के अंदर इन दो गुणों को अपने जीवन में लाना है और अपने लक्ष्य में सफल होना है। इतिहास गवाह है कि वास्को डी गामा जब भारत को ढूंढने के लिए निकला, उसके साथियों ने उसको सहयोग देने से मना किया। कुछ साथी उनके साथ भी चले, परंतु बीच से रुक गए, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि लक्ष्य को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। परंतु वास्को डी गामा का दृढ़ संकल्प इतना प्रबल था कि उसने किसी की बात को नहीं सुना और वो बढ़ता चला गया। आखिर उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया और भारत को ढूंढ लिया। इसलिए दृढ़ संकल्प के लोग बड़ी बड़ी बाधाओं को पार करते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं। इसीलिए हमें इन गुणों को अपनाना है। एक शायर ने ठीक कहा है, जो सफर अख्तियार करते हैं
वही मंजिलों को पार करते हैं। एक बार चलने का इरादा तो रखो मेरे दोस्त, ऐसे मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं, रास्ते भी इंतजार करते हैं। दूसरी बात मैं खिलाड़ियों से करना चाहूँगा कि खिलाड़ी को अपने जीवन में धैर्यवान बनना बहुत जरूरी है। यदि खिलाड़ी अपने जीवन में धैर्यवान रहता है तो विपरीत परिस्थितियों में भी वो अपने धैर्य को कायम रखता है, तब वो सफलता को प्राप्त करता है। कठिनाई कहाँ आती है? जब हम धैर्य छोड़ देते हैं। इसीलिए हमें जीवन में सदैव धैर्यवान बना रहना चाहिए। कभी भी किसी भी परिस्थिति में अधीन नहीं होना है, क्योंकि धैर्य के वृक्ष पर ही फल और फूल लगते हैं। इसलिए धैर्य एक ऐसा गुण है जिसको हमने जीवन में अपनाना है, क्योंकि राम से लेकर महाराणा प्रताप तक सबके सामने विपरीत परिस्थितियां आई हैं, परंतु उन्होंने अपने धैर्य को नहीं छोड़ा। वो लड़ाई लड़ते रहे जीवन भर, अर्थात अपने अभियान में विजयी रहे। इसलिए धैर्यता हमारे जीवन का अंग होना चाहिए। महाभारत में अर्जुन को यह सुनिश्चित नहीं था कि विजय सिर उसके हाथ लग जाएगी, नहीं, भगवान ने सुनिश्चित किया था। भगवान ने अर्जुन को कहा था कि ये अर्जुन, यदि तू इस युद्ध में विजयी हो गया तो विश्व पर राज्य करेगा, यदि तू इस युद्ध में हार गया तो श्रीमानों के घर जन्म लेगा। परमात्मा ने सुनिश्चित नहीं किया कि आपकी जीत अवश्य होगी, परंतु अर्जुन धैर्यवान होकर एक भगवान पर भरोसा रखते हुए युद्ध लड़ता रहा, अर्थात वो विजयी हुआ, महाभारत का विजेता बना। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको ये मालूम नहीं था कि वो अपनी जिंदगी में अंग्रेज से आज़ादी ले लेंगे। ये कुछ सुनिश्चित नहीं था कि उनके लाइफ में आज़ादी मिल जाएगी, परंतु वो आज़ादी की लड़ाई लड़ते रहे धैर्यवान होकर। अनेक परिस्थितियां आई, परंतु आखिर ब्रिटिश गवर्नमेंट देश छोड़कर चली गई, देश को आज़ादी दे गई। उन्होंने अपने जीवन में यह मुकाम हासिल किया और वो जीवन भर लड़ते रहे और धैर्यवान बने रहे। कभी भी उन्होंने अपने धैर्य को नहीं छोड़ा, कभी भी जीवन में उन्होंने अधीरता का दामन नहीं थामा। इसलिए एक खिलाड़ी को भी धैर्यवान बनना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस क्षेत्र में कभी हार कभी जीत ये तो होता ही रहेगा। ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं जो जीवन में कभी हारा ना हो, ऐसा भी कोई खिलाड़ी नहीं जो जीवन में कभी जीता ना हो। हार और जीत तो दो पहलू हैं, परंतु ये आवश्यक नहीं कि जीतने वाला जीवन रूपी खेल में भी विजयी हो जाए। कई बार हारने वाला जीवन रूपी खेल में बहुत आगे निकल जाता है, क्षणिक खेल में भले वो विजय प्राप्त न कर सका हो। इसलिए हमें हार और जीत का भी मलाल नहीं रखना है जीवन में, हमें अपने कार्य में करते रहना चाहिए। अपने जीवन में कभी भी अपने मनोबल को गिराकर नहीं चलना है, अपने धैर्य को थाम कर ही जीवन रूपी क्षेत्र में उतरना है।
डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, जो कि भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति रहे, कि खिलाड़ियों को हार की मनोदशा पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, ये जीवन में बहुत आवश्यक है, क्योंकि कभी गर्मी कभी सर्दी ये कुदरत के नज़ारे हैं, प्यासे तो वो भी रहते जो दरिया के किनारे हैं। इसलिए हमें हमेशा लाइफ में धैर्यवान बने रहना चाहिए और अपने कार्य को पूर्ण दिलचस्पी से कठिन परिश्रम से करते रहना चाहिए। जीवन में खिलाड़ी के लिए 3 विश्वास बहुत आवश्यक हैं। पहला विश्वास है आत्मविश्वास। हमें अपने ऊपर पूर्ण विश्वास होना जरूरी है। आप देखिए, जीवन में जिनको सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं, अपने पर पूर्ण विश्वास नहीं, तो विजय श्री उनके कदम नहीं चूम सकती। नेपोलियन लड़ाई लड़ता रहा था, एक जगह एक पर्वत रास्ते में था और उसको क्रॉस करके लड़ाई लड़नी थी। नेपोलियन ने अपनी सेना को कहा कि पर्वत क्रॉस करें और अगले जो राज्य है उस पर अटैक करना है। सेना थकी हुई थी, उसने कहा, सर ये असंभव है। तब बोनापार्ट नेपोलियन ने कहा, असंभव शब्द मूर्खों की डिक्शनरी में मिलता है। और वह समय आगे आगे हुआ और पर्वत क्रॉस किया और राज्य पर अटैक किया और सफलता हासिल की थी। देखिए कितना मनोबल था, कितना उनमें अपना आत्मविश्वास था। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस होना भी प्लेयर के लिए बहुत आवश्यक है। उसको अपने में विश्वास होना जरूरी है। दूसरा, प्लेयर्स के लिए अपने कोच में अर्थात अपने गुरु में विश्वास होना बहुत आवश्यक है। ये विश्वास उनको बहुत आगे ले जाता है। महाभारत में अर्जुन की लड़ाई गुरु द्रोणाचार्य से हो रही थी। कुछ लोगों ने कहा कि गुरु द्रोणाचार्य से अर्जुन नहीं जीत सकता, क्योंकि वो युद्ध के सारे गुर जानता है, इसीलिए उसका जीतना यहाँ असंभव है। परंतु अर्जुन को ये निश्चय था अपने गुरु में कि मेरा गुरु महाभारत का विजेता मुझे ही डिक्लेयर कराएगा। वो अपनी मृत्यु स्वीकार कर लेगा परंतु मुझे महाभारत का विजेता डिक्लेयर कराएगा। और वही हुआ, उसका गुरु विश्वास उसको पार उतार ले गया है। इसलिए एक प्लेयर को अपने कोच में भी विश्वास 100% रखना है। तीसरा, प्लेयर्स के लिए है कि वो परमात्मा विश्वास रखे, क्योंकि यदि हमें परमात्मा में भी विश्वास नहीं तो भी हम सफल नहीं हो सकते अपने जीवन में। अंगद ने रावण के दरबार में अपना पैर जमा कर कह दिया, यदि मेरा पैर उठा दोगे तो सीता आपकी है, क्योंकि उसको पता था ये पैर मेरा नहीं, ये राम का है। राम के कैंप में टेंस हो गया कि अंगद ने कौन सी शर्त लगाई, उसका पैर नहीं उठा। जब वो वापस आया तो लोगों ने उसे क्वेश्चन किया कि ये आपने कैसी शर्त रख दी थी। उसने कहा कि मुझे अपने राम पर पूर्ण विश्वास था, ये पैर उसका है इसलिए उसको कोई नहीं उठा सकता, और अंगद अपने लक्ष्य में सफल रहा था। इसीलिए हमें परमात्मा पर भी विश्वास आवश्यक है। अंत में मैं प्लेयर्स के लिए 2 लाइनें दे रहा हूँ। पर्वत को जो धूल बना सकते हैं, उंगली से जो हिमालय उठा सकते हैं,
पर्वत को जो धूल बना सकते हैं, उंगली से जो हिमालय उठा सकते हैं, ये ऐसे स्पोर्ट्समैन हैं, ये ऐसे स्पोर्ट्समैन हैं जो आकाश को भी धरा पर झुका सकते हैं, जो आकाश को भी धरा पर झुका सकते हैं। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमें सफलता के सुंदर गुर सिखाने के लिए, सुंदर प्रेरणा प्रदान करने के लिए कि समस्याएं कुछ भी नहीं, ईश्वर हमारे साथ हैं और साथ ही कैसे योजनाबद्ध तरीके से हम सफलता अर्जित कर सकते हैं। वास्तव में सफलता हम सभी चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कैसे योजना बनाई जाए वो भी अपने आप में बहुत महत्व रखता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि यदि सफल होना है तो सफलता के लिए PhD करना बहुत ज़रूरी है, और ये PhD है P, पैशन का होना बहुत ज़रूरी है, H, हार्ड वर्क का होना बहुत ज़रूरी है, और D, डिटर्मिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है। सचमुच ये दो तीनों बहुत सुंदर से सूत्र हैं। प्रथम हरचंद जी ने तो हमें बहुत सारी बातें बताई, लेकिन इस PhD को भी हमेशा ध्यान रखिएगा, आपकी सफलता निश्चित हो जाएगी। कई बार सफल लोगों को देख के हमारे मन में आता है वाह कितना भाग्यशाली है, लेकिन उसने जो मेहनत की है, उसने जो परिश्रम किया है, उसने जो तप किया है, त्याग किया है, उसके बारे में हम नहीं सोचते। सचमुच सफलता तप और त्याग से ही मिलेगी, अच्छे पैशन से, अच्छे हार्ड वर्क से और दृढ़ता से हमें प्राप्त होगी। आइए आगे बढ़ते हैं और अपनी झोली को और भी सुंदर अनुभवों से भरते हैं। अब हमारे बीच आ रही हैं मुंबई से ब्रह्म कुमारी जयश्री खिलाड़ी जी, जो कि खुद भी टेबल टेनिस प्लेयर रह चुकी हैं, और चूंकि खिलाड़ी रही हैं इसीलिए आप खिलाड़ियों की मानसिकता और समस्याओं से भली भांति परिचित हैं। आपने कई नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर्स को मेडिटेशन के माध्यम से बहुत अच्छी राह दिखाई है। खेल मंत्रालय महाराष्ट्र, यहाँ पे भी आपने बहुत अच्छी तरह से मेडिटेशन और माइंड प्रोग्रामिंग के बारे में खिलाड़ियों को अवगत कराया है, उन्हें ट्रेन किया है, इसीलिए खेल मंत्रालय ने आपको अनेक पुरस्कारों से भी नवाजा है। इसके पश्चात हमारे साथ अपने अनुभवों को साझा करने के लिए होंगे एक ऐसे शख्स जिन्हें आप भली भांति जानते हैं। आप पूर्व भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रह चुके हैं भ्राता धनराज पिल्लई जी, जो कि वर्तमान समय भारतीय हॉकी टीम के मैनेजर भी हैं, और 2014 में आपने राजनीति की भी शुरुआत की, वहां भी आप सफलतापूर्वक खेल रहे हैं। तो आइए स्वागत करते हैं और अनुभवों के इन रत्नों से अपना श्रृंगार करते हैं। ओम शांति, और खेल जगत के सभी भाई बहनों को मेरी नमस्ते। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक गेम्स पूरे हो गए और इन गेम्स की वजह से पूरे विश्व में एक उमंग उत्साह की लहर जरूर निर्माण हो गई है। हमारे भारतीय खिलाड़ियों ने भी बड़ा शानदार प्रदर्शन करके कितने सारे मेडल्स प्राप्त किए, जिससे हम सभी को बड़ी खुशी हुई, उन पर गर्व महसूस हो गया। और इसी पार्श्वभूमि पर हमारे स्पोर्ट्स विंग की यह जो ई कॉन्फ्रेंस हो रही है उसका विषय भी कितना ना सुंदर है कि जो माइंड प्रोग्रामिंग के बारे में है, अचीविंग गोल बाय प्रोग्रामिंग योर माइंड। माइंड पावर यह खेल जगत में एक मिसिंग डायमेंशन की तरह ही है। हालांकि चाइना, जापान, कोरिया, रशिया, अमेरिका माइंड पावर पे बहुत ही ज्यादा काम करती है, इसलिए उन लोगों को बहुत सारे मेडल्स मिलते हैं। हालांकि ये भारत की देन है पूरी जगत को, लेकिन भारत में ही इसके बारे में बहुत ही कम जागरूकता है। अभी थोड़ी थोड़ी होने लगी है। अभी के ओलंपिक गेम्स में हमारे कई प्लेयर्स लोगों ने मेडिटेशन का और अपने मेंटल प्रैक्टिस का अनुभव किया हुआ है और शानदार रिजल्ट भी ले लिया है। मीराबाई चानू के भी मेडिटेशन करते हुए फोटो हमने देखे, और बॉक्सर लवलीना ने भी कहा कि मेडिटेशन की वजह से उनको बहुत ही फायदा हुआ। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा यह भी विजुअलाइजेशन करते आए हुए हैं, जो मेडिटेशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इस प्रकार से मेडिटेशन
या माइंड कंडीशनिंग या मेंटल प्रैक्टिस या मेंटल एक्सरसाइज जो भी कहो, ये खेल में बहुत कम समय में और कम मेहनत में आपको रिजल्ट देते हैं। सिर्फ रिजल्ट ही नहीं देते हैं, आपका उमंग उत्साह और कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं। इसका लाभ कैसे होता है, देखिए आपको बताऊं कि प्रोग्रामिंग माइंड में जरूरी होता है कि माइंड कैसे काम करता है, उसका हम किस प्रकार से लाभ ले सकते हैं, ये जानना जरूरी है। प्रोग्रामिंग माइंड के अंतर्गत हमारे सबकॉन्शियस माइंड का रोल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, जबकि वो 100% पावरफुल होता है। उसके सामने हमारा कॉन्शियस माइंड जो है, जिसका हम उपयोग करते रहते हैं, वो केवल 10% काम करता है। तो जो 100% हमारा ही सबकॉन्शियस माइंड है, वो हमको कितना ना मददगार साबित हो सकता है, लेकिन जानकारी ना होने की वजह से हम उसका फायदा नहीं उठा पाते हैं। आपको सबकॉन्शियस माइंड का कार्य करने की पद्धति समझ लेनी है। सबकॉन्शियस माइंड को सही क्या है, गलत क्या है, ये कुछ भी नहीं समझता है। उसका काम है केवल आपका आदेश लेना। वो आदेश भी कैसे लेता है, आप जिस प्रकार के विचार सोचते हो, तीव्रता से मन में जैसा जो विचार लाते हो, वो विचार वो पकड़ता है। मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ। मेरी पास्ट में बैकग्राउंड खिलाड़ी की रही हुई है और इतने लंबा समय का मैंने राज्यों का अभ्यास किया हुआ है, तो खेल और राज्यों का समन्वय करके हम खिलाड़ियों को मार्गदर्शन सहज रीति से कर पाते हैं, जो उसका हमको बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। एक बार एक कोच उसकी कन्या खिलाड़ी को लेकर हमारे पास आए थे। उन्होंने कहा कि ये खिलाड़ी हमारा प्रॉमिसिंग प्लेयर है, इसका मेडल पक्का था और एन टाइम में पता नहीं क्या हो गया और हमारा मेडल छूटा। हुआ ऐसे था कि जब उसकी मैच थी, तो जब खेलने गई तो पहला जंप किया उसने, पहला फाउल, दूसरा जंप किया वो भी फाउल, और तीसरा जंप किया वो भी फाउल हो गया। तो सारे चौंक गए कि ऐसे कैसे हो गया, तीनों के तीनों फाउल कैसे जा सकते प्रॉमिसिंग प्लेयर से। तो उन्होंने कहा कि आप दीदी देखो क्या हुआ होगा वगैरह। तो हमने तो समझ लिया कि ये सारा खेल सबकॉन्शियस माइंड का है। तो इसके लिए उसने क्या क्या सोचा, ये जानना बड़ा जरूरी था। हमने उसे पूछा कि खेलने से पहले आपने क्या क्या सोचा, तो वो याद करने लगी। तो उसमें से एक थॉट पकड़ा जो उसने बताया, उसने यह सोचा था कि कहीं मेरा फाउल न हो जाए, ऐसा उसने सोच लिया और सबकॉन्शियस माइंड ठीक उसको पकड़ा, उसी सोच को पकड़ा कि इसको फाउल चाहिए, और उसने फाउल भी कैसे एक्यूरेटली दे दिया। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को सही गलत की समझ नहीं है, उसको खाली समझ लेना है जो आपने सोचा है और उसको कार्यान्वित करना है। जब सबकॉन्शियस माइंड आपको नेगेटिव एक्यूरेटली रिजल्ट दे सकता है, तो पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव भी एक्यूरेटली दे सकता है। फिर उस खिलाड़ी को हमने समझाया और उससे विजुअलाइजेशन करा के लिया, मेंटल प्रैक्टिस करा के ले ली कि वो सही रीति से जंप कर रही है, उसकी जंप एक्यूरेट हो गई है और उसको मेडल भी प्राप्त हो गया है। तो इसी वजह से, हाँ, इस सोच की वजह से सबकॉन्शियस माइंड ने पकड़ा कि इसको मेडल चाहिए करके, एक्यूरेट जंप चाहिए करके। तो बराबर 2-3 दिन के बाद उसकी मैच एक्यूरेटली सफल हुई और वो मेडल लेकर आ गई। अगर आधा घंटे के बाद भी अगर उसकी मैच होती ना, तो भी उसको मेडल मिल जाता था। इतना इंस्टेंट रिजल्ट कम समय में हमारा सबकॉन्शियस माइंड देता है, एकदम फौरन वो अपना फोकस शिफ्ट कर सकता है। जब ये ताकत हमारे सबकॉन्शियस माइंड की है, तो इसको ही हमको प्रोग्राम करना होता है, इसके ऊपर ही हमें संस्कार करना पड़ता है। तो इसी प्रकार से और मैं आपको उदाहरण बताऊं कि बीच में महाराष्ट्र में खेलो
इंडिया, ये नेशनल गेम्स हुए थे, पूरे भारत से क्वालिटी प्लेयर्स आए थे, ऐसे सिलेक्टेड प्लेयर जो आगे चलकर ओलंपिक के दावेदार बन सकते हैं। तो हमने उनको मेडिटेशन के लिए ऑफर दी, उनको समझाया, और उनके लिए तो ये सारी नई बात थी, उनको किसी भी प्रकार का मेडिटेशन की जानकारी नहीं थी बिल्कुल। लेकिन जिनको उनको लाभ मिला, यकीन मानिए उस वक्त 5-6 लोगों को गोल्ड मेडल मिल गया। एक जगह हमने लेक्चर किया था, पूरा होने के बाद एक खिलाड़ी आके मिला, तो उसने कहा कि दीदी मेरी पूरी तरह से प्रैक्टिस हो चुकी है, प्रैक्टिस मैच में तो मैं अव्वल हूं, अभी 2 दिन के बाद मेरी मैच है, लेकिन मेरी मानसिकता स्टेबल नहीं है, मुझे थोड़े से अनइजीनेस है, एक डर सा है, हिम्मत नहीं हो रही है आदि आदि। तो उसके मन को समझते हुए, उसकी समस्या को समझते हुए हमने उसका मनोबल बढ़ाया, उसकी मेंटल कंडीशनिंग की, उसे मेंटल प्रैक्टिस करवाई, मेडिटेशन करवाया, ठीक। और फिर 4-5 दिन के बाद हमको पेपर में हेडलाइन पढ़ने को मिली कि उसको गोल्ड मेडल मिला। कितनी ना खुशी हम सभी को हुई होगी, क्योंकि हर एक की जो मेहनत है उसका रिजल्ट इतना कम समय में, और कोई खास ज्यादा तो कोई ऐसी मेहनत तो नहीं है ना, मेंटल कंडीशनिंग या मेंटल प्रैक्टिस करना, उसके लिए कहीं ग्राउंड पे तो नहीं जाना पड़ता है ना, अपने आप से ही तो ये सारी मेहनत अंदर ही अंदर करनी होती है इंट्रोवर्ट होके। क्योंकि मेडिटेशन के अंदर ही अफर्मेशन आता है, सेल्फ टॉक आता है, अपने सेल्फ एस्टीम को बढ़ाना आता है, हमें जैसे चाहिए वैसे आवश्यक ऐसे विचार प्रणाली को आगे बढ़ाते जाना, ये भी मेडिटेशन के अंदर ही आ जाता है। तो इसका नॉलेज हर खिलाड़ी को लेना बहुत जरूरी है। तो मैं बात उस खिलाड़ी की बोल रही थी जिसको मेडल मिल गया, बाद में उसके समझ में आ गया कि अगर मुझे मेडल मिला है तो ये मेडिटेशन की वजह से मिला है, तो मुझे इस बात को नहीं छोड़ना है। वो लगातार 2 साल से हमारे संपर्क में है, टाइम टू टाइम आकर मिलता है, जो भी हम उनको गाइडेंस देता उसको एक्यूरेटली फॉलो करता है, इतना सिंसियर खिलाड़ी है वो। और 2 साल के अंदर उसने जितने भी मैचेस खेले ना, सब में उसको मेडल्स मिल गए। अभी उसको फुल कॉन्फिडेंस है कि वो ओलंपिक के लिए तैयार हो चुका है। लेकिन अभी 4 साल के बाद आएगी ओलंपिक, उसके बीच में अभी सितंबर में वर्ल्ड चैंपियनशिप शूटिंग के हुए, उससे पूर्व भी आया, बैठा हमारे साथ, डिस्कशन हुई, मेडिटेशन हुआ, एम्पावर होके एकदम जैसे अपना मनोबल बढ़ा के हो गया, और उसको सिल्वर मेडल मिल गया। बहुत खुशी की खुशी हुई, सभी को हुई, उसकी भी हो गया। अभी 100% को कॉन्फिडेंस आ गया है कि मेरी एंट्री हो सकती है ओलंपिक के लिए। तो यह भी सातत्य रखना, जैसे आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो खेल की, ठीक से एक्सरसाइज करते हो, डाइट भी लेते हो, उसी प्रकार से रोजाना आपको ये विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन आपको डेली सुनना है, और मेडिटेशन करना है, ये मेंटल एक्सरसाइज करना है डेली, तो ही आप बहुत अच्छी तरह से रिजल्ट लोगे, और मैच के वजह से आपको जरा भी भय लग नहीं सकता है। नीरज चोपड़ा को आपने देखा, क्या उसको भय था? वो जाने से पहले जैसे विन विन मूड में चला गया था, उसको जैसे पता था कि वो जीतने वाला है। रिजल्ट आना ये बाद भी की बात है, लेकिन मानसिकता जो है उस रीति से बनाना, वो तो फिर अपने हाथ में है ना। तो खिलाड़ी को इसके साथ साथ अपना जो जीवन है, अपनी जो दिनचर्या है, एक मिलिट्री पर्सन की रीति से चलाना चाहिए। मिलिट्री पर्सन की रीति से मतलब एक्यूरेट, अलर्ट, एक्टिव होकर। खिलाड़ी कितने बजे उठता है, उठने के बाद क्या करता है, सभी चैंपियंस आप देखेंगे 4 बजे कार्यान्वित हो जाते हैं। तो ये आपकी दिनचर्या,
जो कुछ भी आप करने वाले हैं, क्या आप टाइम पर एक्यूरेटली कर पाते हो? अगर कर पाते तो वो आपकी सफलता में काउंट हो जाता है। फिर आपका क्या कहते हैं, स्वभाव कैसा है, आपकी आदतें कैसी है, आपका संग कैसा है, ये सारी बातें जो है ना आपके भाव विश्व पर, आपके मन पर असर डालती है। इसको बहुत समय की कमी है इसलिए मैं इन बातों को ज्यादा विस्तार इसका कर नहीं पा रही हूं। आदत और स्वभाव कितना ना इफेक्ट करता है, लेकिन संग के बारे में कहना मैं जरूरी समझती हूँ कि आपके जो फ्रेंड्स हैं, फिर वो आपके गर्लफ्रेंड्स हो सकते हैं किसी की, किसी के बॉयफ्रेंड्स होते हैं, या आजकल की जो यंग जनरेशन है, फिल्मों का असर, टीवी सीरियल का असर, तो ये सारी बातें उनके जीवन में इंक्लूड हो गई है ऐसे दिखाई देता है। क्योंकि अभी हाल ही में मैंने 3-4 खिलाड़ियों की काउंसलिंग की थी और बातचीत करते हुए पता चला कि उनके ऐसे समीप फ्रेंड्स हैं। और ये लोगों के क्या कहते हैं, रिलेशंस में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है तो इसका डायरेक्ट अटैक आपके भाव विश्व पर हो जाता है। आप एकाग्र नहीं रह पाते हो, आप स्टेबल नहीं रह पाते हो। तो अगर एकाग्र नहीं होंगे, आप स्थिर नहीं है, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, सफलता कैसे मिलेगी? इसलिए कोच भी आपको बताते रहते कि एक समय एक ही बात होते हैं। हम लोग भी कहते कि एक समय आप एक ही बात कर सकते हो। अगर एकाग्रता आपको रखनी ही है तो जैसे अर्जुन को उस पक्षी के आंख के सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, उसी रीति से आपका जो गोल है, आपको जो टारगेट है, उसके सिवाय और उसके बीच में तीसरा कोई नहीं आ सकता। हमने कितने ऐसे खिलाड़ी देखे हैं कि इस प्रकार के रिलेशनशिप की वजह से उनके खेल तबाह हो गए हैं, क्योंकि मेंटली डिस्टर्ब होते हैं तो फिर कॉन्सेंट्रेशन उनका होता नहीं, फिर उदास हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, तो बड़ी अजीब सी उनकी परिस्थिति हो जाती है। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए, अपने गोल के ऊपर अपना कॉन्सेंट्रेशन रखते हुए, एक एक दिन आपकी मेंटल और जो खेल की प्रैक्टिस है ये करते हुए जाएंगे। हम आपको आह्वान करते हैं, आपको मेंटल प्रोग्रामिंग करना है तो आप जरूर हमारे से संपर्क करेंगे, इस मेडिटेशन को सीखेंगे, आप अवश्य ही कम समय में बहुत आगे जाएंगे और अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ ओम शांति। Hi, this is Dhanraj Pillai here. I would like to share my experience. Almost 35 years I spent in the field, especially hockey, and I have learned lot of things from yoga and meditation. चलिए शुरुआत करते हैं। बचपन से मेरा एक ही सपना था, मैं हॉकी खेलना चाहता था। जहाँ पर मैं पैदा हुआ वहाँ सिर्फ और सिर्फ हॉकी खेला जाता था, और मैंने योग और स्पोर्ट्स को अपना एक करियर मानकर चला। योग और स्पोर्ट्स अगर आप दोनों को साथ में लेके चलोगे तो आपको बहुत फायदा आएगा इंटरनेशनल मैचेस में, या आप घरेलू मैचेस खेलते हो तभी। बचपन से ही मैं अपने आप को एकदम डिसिप्लिन रखा, मैं चाहता था कि ये डिसिप्लिन लाइफ मुझे आगे चल के बहुत काम आएगी और अपने देश के लिए रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा। मैंने योग और हॉकी को ही अपना एक जरिया बना लिया, क्योंकि मैं वो सब चीज हासिल करना चाहता था। क्योंकि मैं जब हॉकी देखता था तो मेरे सीनियर प्लेयर लोग अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ये सब अचीव कर चुके थे, और मेरा भी एक सपना था कि मैं ये सब चीज हासिल करूं। मैं अपने देश को बहुत प्यार करता था और यही देशभक्ति ने मुझे बहुत सारा चीज सिखाया भी है, और वो सब चीज हासिल करने में मेरी मदद करी है। एंड आई रियली लव माय कंट्री। हॉकी और योग ने मुझे बहुत स्ट्रांग बनाया, मेरे पर्सनल लाइफ में भी और मेरे प्रोफेशनल लाइफ में भी।
मैं हर वो चीज मेरे अकेडमीज के बच्चों को सिखाता हूँ कि वन हैज टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग। गुजरात में अकेडमी चलती है, मुंबई में चलती है, पुणे में चलती है, यही सब चीज सिखाता हूँ ताकि आप आने वाले समय में स्ट्रांग बने और अपने देश के लिए रिप्रेजेंट करें और अपने माँ बाप का नाम, अपने कोचेस का नाम रोशन करें ताकि आप गर्व से कहें कि आई हैव डन समथिंग फॉर माई नेशन। मुझे याद है 2000 सिडनी ओलंपिक्स में जब हम बहुत क्लोज थे ओलंपिक सेमीफाइनल के स्टेज में पहुंचने के लिए, हम पोलैंड के साथ वो मैच ड्रॉ कर दिए और हम सेमीफाइनल से बाहर हो गए। वो सेटबैक, 3-4 दिन मैं रूम से बाहर नहीं निकला था और जब मैं हिंदुस्तान आया उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरा करियर खत्म हॉकी का, लेकिन उस मुश्किल घड़ी से निकलने के लिए मुझे फिर से ये योग और स्पोर्ट्स ग्राउंड सामने दिखा और मैंने अपना ट्रेनिंग चालू कर दिया और फिर उसके बाद 4 साल और अपने देश के लिए खेला एथेंस ओलंपिक्स। मेरी माँ यही कहती थी मुझे कि अगर आप एक मुकाम पर पहुंच भी गए तो आपको जमीनी रहना बहुत जरूरी है। ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया है। हॉकी जब मैं खेलता था तो मोहम्मद शाहिद एक ऐसे खिलाड़ी थे, हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाते थे दादा ध्यानचंद के बाद, और उनको मैं आइडलाइज करता था और मैं भी सोचता था कि मैं उनके जैसा खेलूं। इसीलिए 15 साल अपने देश के लिए मैं रिप्रेजेंट किया। पूरी दुनिया इस COVID-19 से गुजर रहा है और बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं, इसके लिए मुझे लगता है कि अपने आप को स्ट्रांग बनना बहुत जरूरी है, मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। घर में बैठ के भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो क्योंकि आप फिट रहोगे तो बीमारी से दूर रहोगे। ओम शांति। सुंदर अनुभवों के लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। सचमुच ये अनुभव हमारे लिए एक प्रकाश का कार्य करेंगे, उत्साह का कार्य करेंगे, हमें मार्गदर्शन देंगे कि हम भी अपने जीवन में कैसे आगे से आगे बढ़ते चलें। मित्रों, मेरा एक मित्र था क्रिकेट का, बहुत ही दीवाना, बहुत ही शौकीन। काफी समय के बाद मुलाकात हुई तो मैंने पूछा कि क्रिकेट की जो दीवानगी है वो कैसी है तुम्हारी। उसने कहा मैंने क्रिकेट देखना छोड़ दिया। मैंने पूछा क्यों? आश्चर्य हुआ क्योंकि वो सचमुच जब भी क्रिकेट मैच होते थे लग जाता था। मैंने कहा ऐसा क्यों? उसने कहा एक ही कारण है कि कई बार मैंने देखा हमारी टीम सरेंडर कर देती है, गिव अप कर देती है, हार स्वीकार कर लेती है, घुटने टेक देती है और वो बात मुझे कतई पसंद नहीं है। भले ही सामने वाला बड़ी से बड़ा स्कोर बना दे, तुम लड़ो तो सही, तुम जूझो तो सही, तुम संघर्ष तो करो, ऐसा तो लगे कि हाँ इसने लड़ के भले पराजित हुआ लेकिन लड़ा अंतिम दम तक, अंतिम श्वास तक। सचमुच वो बात मुझे प्रेरित कर गई और ये हमारे जीवन के लिए बहुत बहुत आवश्यक सूत्र है सफलता के लिए, अंत तक लड़ते रहना, अंत तक आशा का दामन थामे रखना। क्योंकि व्यक्ति तभी हारता है जब वो हार स्वीकार कर लेता है। हम हार स्वीकार ना करें, हम सरेंडर ना करें, लेकिन खेल भावना से ही सही लेकिन अंत तक लड़े जरूर। इसे हम अपने जीवन के लिए एक सुंदर मंत्र बना लें और ऐसे ही सुंदर विजय का मंत्र देने के लिए, सफलता का मंत्र देने के लिए, विजयी भाव का वरदान देने के लिए अंततः हमारे बीच आ रही हैं ब्रह्मा कुमारीज की जॉइंट चीफ, जो एशिया पैसिफिक रीजन की भी निदेशिका हैं, हमारी आईटी विंग और ज्ञान सरोवर की डायरेक्टर ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर निर्मला दीदी जी, जो 1962 से ही आध्यात्मिक पथ पर चल रही हैं और 5 ही महाद्वीपों का भ्रमण करते हुए सब में आध्यात्म का ज्योत प्रज्वलित करती रहती हैं, सबको विजयी भाव का वरदान देती रहती हैं। और इसके बाद हमारे साथ होंगे भ्राता मनमोहन जी, जो कि स्पोर्ट्स विंग के हेडक्वार्टर्स कोऑर्डिनेटर हैं। धन्यवाद
अर्पित करने के लिए। आइए परम आदरणीय दीदी का स्वागत करते हैं। ओम शांति। स्पॉट विंग्स के सभी मेंबर्स, आप सभी ने दो दिन तक काफी प्रवचन सुने और उसके द्वारा आपने समझा होगा कि कैसे हमारी मानसिक पॉजिटिविटी हमें सफलता दिलाती है, क्योंकि कईयों का ये अनुभव है कि उन्होंने सारी साल जब भी प्रैक्टिस करते थे उन्होंने लक्ष्य रखा कि हमें गोल्ड मेडल लेना है और मिलेगा ही। तो जितना उन्होंने दृढ़ निश्चय किया और उस निश्चय के आधार से उन्होंने सफलता पाई, तो माइंड ओवर मैटर, जितना मन में हमारे पॉजिटिविटी और दृढ़ता होंगी उतनी सफलता हमारे साथ रहेंगी। तो ये बात आप समझकर अपना जीवन में लाएंगे तो आपको जरूर जीवन में सफलता मिलेगी, क्योंकि जीवन एक खेल है। खेल में हार जीत तो होती है, हार में हमें नासीपास नहीं होना है, जीत में जरूर खुशी मनानी है, परंतु अहम नहीं आना है। और जब हारते हो तो ये रखो, चलो अभी दोबारा हम इतना पुरुषार्थ करेंगे कि हम मेडल जरूर जीतेंगे। तो हमारी उम्मीद है कि आप राजयोग द्वारा अपनी मानसिक शक्ति को जरूर बढ़ाएंगे और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। दो दिवसीय खेल कूद प्रभाग के कॉन्फ्रेंस के पहले सत्र में आप आदरणीय वासुराज भाई हुबली से, आदरणीय शशि बहन जी माउंट आबू से, आदरणीय कुलदीप बहन हैदराबाद से, आपने खिलाड़ियों को बहुत अच्छे ढंग से मोटिवेट किया है, उमंग उत्साह दिया है। सब खिलाड़ियों के मन में आपने एक नया तेज बल भर दिया है। हमारी आदरणीय शशि बहन तो खिलाड़ियों को इतना मोटिवेट कर देती है कि एक एक खिलाड़ी जैसे आशीर्वाद दुआएं लेकर के जाता है, एक नया बल लेकर के जाता है। मैं आदरणीय शशि बहन को बहुत बहुत दिल से थैंक्स देते हैं। हमारे आदरणीय वसुराज भाई जी, आप तो इतना खिलाड़ियों को कहते हैं कि अपने ज्ञान के द्वारा भी इतना सुंदर एक बल भर करके भेज देते हैं कि जैसे कोई हमारा एक पूर्वज हमारे ऊपर होता है। आप आदरणीय बहुत बच्चों को खिलाड़ियों को मोटिवेट करते हैं। आपको भी मैं तहे दिल से बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ। हमारी आदरणीय कुलदीप बहन, आप हैदराबाद से
जुड़ी है। आप इतना खिलाड़ियों को सराहनीय शब्दों से आप इतना बल भर देते हैं कि एक एक खिलाड़ी आपकी पालन लेकर के जब जाते हैं तो ये फील करते हैं कि हमें एक नई शक्ति मिली। हमारे जो अनेक प्रकार के ब्रेकर हैं वो दूर हुए। आप खिलाड़ियों का इतना मनोबल बढ़ा देती हैं कि ऐसे लगता है कि कोई सरस्वती आ गई हो। आपको हम तहे दिल से बहुत बहुत दिल की दुआओं से थैंक्स करते हैं। इसके अंदर हमारे आदरणीय राजयोगी सूरज भाई जी, आप तो एक कहते हैं कि मनोविज्ञान के द्वारा ही ऐसा मानव को उत्साहित कर देते हैं, और आज के सत्र में तो आपने खिलाड़ियों को एक नया जीवन ही दे दिया कि आपने आंतरिक मनोबल जोड़ दिया जिससे हमारे खिलाड़ियों को एक नई शक्ति मिली है, एक नया रास्ता मिला है। हम आपको बहुत बहुत थैंक्स करते हैं। हमारे यूँ कहो कि इस स्पोर्ट विंग के जन्मदाता हमारे आदरणीय जगबीर भाई, नेशनल कोऑर्डिनेटर, सारा खेल तो अगर देखा जाए बच्चों को मोटिवेट करने का तो ये केवल आपका ही है। आपने हजारों को मोटिवेट किया, हजारों के जो खिलाड़ियों के जीवन में ब्रेकर आते हैं, बाधाएं आती हैं, उनको आपने किस प्रकार से दूर किया। आप इतना माइंड को पावर बना देते हैं कि एक एक खिलाड़ी अपने टारगेट पर ही खड़ा रहता है, किसी प्रकार का माइंड ब्रेकर नहीं होता है। मैं आपको तहे दिल से बहुत बहुत दुआओं से आपको थैंक्स देता हूँ। सायंकाल के सत्र में बॉम्बे से जुड़े ग्रीष भाई एवं दिल्ली से जुड़े दिनेश भाई जी, जिन्होंने अपने भाषण के अंदर या अपने बच्चों को मोटिवेट के अंदर या कहो कि शिक्षा के अंदर आपने बहुत ही अच्छा बच्चों का मनोबल जोड़ा है, और ही साथ साथ अपने अनुभव और ही खिलाड़ियों के अनुभव के द्वारा आपने बच्चों को मोटिवेट किया है। इन खिलाड़ियों को मोटिवेट किया, बहुत खुशी हुई आपके जुड़ने से। हम आपको भी दिल से थैंक्स धन्यवाद देते हैं। दूसरे दिन के सत्र में हमारी आदरणीय शिवानी बहन, जी हाँ, आपको तो हम देखते हैं, सुनते हैं और हम भी मानते हैं कि आपके ऊपर सरस्वती माँ का निवास है। खिलाड़ियों को आपने अपने ज्ञान और कर्म का वैलेंस दिखा कर के इस प्रकार रास्ता दिखाया है कि खिलाड़ियों को एक नया जीवन मिल गया है। हम आपको बहुत बहुत दिल से थैंक्स करते हैं कि आप आगे भी आकर के इन खिलाड़ियों को इस प्रकार मोटिवेट करते रहें, रास्ता दिखाते रहें। हमारे जगबीर भाई, आप जानते ही हैं कि स्पोर्ट विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर, परंतु उनके अंदर एक इस प्रकार की कला है कि किसी भी प्रकार का बच्चा, खिलाड़ी, किसी भी मानव भावनाओं को लेकर के आया, किसी भी नेचर का खिलाड़ी हो, उसको आप इस प्रकार मोटिवेट करते हैं, माइंड पावर दे करके या उनके किस प्रकार से विधि विधान बता करके कि खिलाड़ी अपने टारगेट पर किस प्रकार तैयार होकर के खड़ा हो जाता है। और आपने तो कितने खिलाड़ियों को इस प्रकार मोटिवेट किया है कि जिनको बहुत अच्छे मेडल, जैसे कहो गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल कहो,
आपने लिए हैं और उनका अनुकरण करने के लिए बहुत खिलाड़ी आपसे जुड़े हुए हैं। आपके इस प्रकार की शिक्षाओं को देख करके हम बहुत बहुत आपको दिल तह से धन्यवाद करते हैं। हमारी शीतला अंजलि बहन, आप हैदराबाद से जुड़ी है, आपने इस कॉन्फ्रेंस के अंदर 4 चांद लगा दिए। आप किस प्रकार से खिलाड़ियों को एकाग्रचित होने का अभ्यास कराती हैं, आपकी जुबान पर जब ये ज्ञान चलता है तो एक एक खिलाड़ी एकाग्र होकर के सुनता है। आपने खिलाड़ियों को एकाग्र करने का दिया, उसके लिए हम बहुत बहुत दिल से थैंक देते हैं। आज के समापन सत्र में हमारे चंडीगढ़ से बी के गौरव भाई जुड़े हैं, हमारे करनाल से बी के मेहरचंद भाई जुड़े हैं, हमारी आदरणीय निर्मला दीदी जी माउंट आबू से जुड़े हैं, कबड्डी के कोच हमारे प्यारे भाई बलराम भाई जी दिल्ली से जुड़े हैं, एवं बम्बई से हमारी जयश्री बहन जुड़ी है। आपने खिलाड़ियों को अपने उद्गारों के द्वारा बड़े अच्छे ढंग से मनोबल जोड़ा है, उनको रास्ता दिखाया है। हम तहे दिल से आप सबको बहुत बहुत थैंक्स देते हैं। इस सत्र के अंदर हमारे प्रशांत भाई और उनकी टीम ने अपने कैमरे और वीडियो के द्वारा जो भी सहयोग दिया है सराहनीय है। मैं उनकी टीम और उनको बहुत बहुत थैंक्स देता हूँ। हमारे चारों सत्र सुबह शाम जिन भी हमारे भाई बहनों ने राजयोग का अभ्यास कराया है उनको भी मैं थैंक्स देता हूँ, और जो भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जिन्होंने भी इसमें सहयोग दिया है या जुड़े हैं, क्योंकि समय की मर्यादा है, उन सबको मैं दिल से थैंक्स देता हूँ। ओम शांति। मित्रों, संसार में अनेक प्रकार के वाद हैं, जातिवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद, लेकिन इन सभी वादों में सबसे अच्छा वाद है धन्यवाद, जो धन्यवाद भ्राता मनमोहन जी ने हम सभी को प्रदान किया। और मैं अंत में सभी अपने स्पीकर्स को जिन्होंने इतने सुंदर सुंदर जीवन जीने के सूत्र हमें प्रदान किए हैं, सफल होने के सूत्र प्रदान किए हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। और आप सबका भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जो आपने 2 दिनों के इस सफ़र में हमारा साथ दिया। इससे निश्चित रूप से आप लाभान्वित हुए होंगे और आपका जीवन ऐसे ही सफलता की ओर, श्रेष्ठता की ओर, शांति की ओर, समृद्धि की ओर बढ़ता चले, यही हमारी मंगल कामना है। कहते हैं जीवन एक खेल है, इस खेल को आनंद से खेलो। आप अपने खेल को भी और जीवन रूपी खेल को भी आनंद से खेलते चलें, यही हमारी कामना है। आप अपना, अपने परिवार का और राष्ट्र का नाम रोशन करें, नाम उज्जवल करें, ये भी हमारी ब्रह्मा कुमारीज की ओर से, स्पोर्ट्स विंग की ओर से हार्दिक शुभकामना है। अंततः जो थीम था उस पर एक बात के साथ आपको छोड़े जाऊंगा। मित्रों, एक महिला जो कि अपने घर के किचन में कार्य कर रहे थे, छोटा बच्चा बाहर खेल रहा था, एक भारी वाहन के पलटने की आवाज आई, भाग के गई, देखा लगभग 1000 केजी का वाहन बच्चे के ऊपर आ गया है, यदि वाहन ना हटाया जाए तो बच्चे की मौत हो सकती है। सोचे 1000 लगभग केजी का वाहन, और एक महिला जो 10-15 केजी ही उठाने की ताकत रखती है, उसने उस 1000 वजन के वाहन को तब तक उठा के रखा जब तक कि बच्चा सुरक्षित बाहर नहीं आ गया। एक सत्य घटना है। भाव ये है जो हमारी पूरी ही कॉन्फ्रेंस का थीम रहा
कि कैसे अपने लक्ष्य को, अपने स्वप्न को साकार करने के लिए मन की शक्ति को यूज करें। ये मन की शक्ति है जो अनंत है, अथाह है। आए मेडिटेशन के माध्यम से, अध्यात्म के माध्यम से उसे जागृत करें, ताकि मेरा, मेरे परिवार का, समाज का और राष्ट्र का नाम रोशन हो। आप सबके उज्जवल भविष्य की पुनः कामना करते हुए आप सबसे विदा लेना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ओम शांति। Awakening to a new way of living.